वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्डरिंग रोजो। तो आज मैं जा रहा हूँ कोथालीगढ़। कोथालीगढ़ को पेट फूड भी कहते हैं, और अगर आप लोग ये ट्रैक करने का सोच रहे हो तो यू गाइस कैन वॉच माय वीडियो। आई विल गिव यू द एंटायर इन्फॉर्मेशन, लाइक वहाँ जाते कैसे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो कैसे पहुँचना है, कितना समय लगता है ट्रैक को, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो ऑलरेडी हम लोग का 15 टू 20 मिनट्स का ट्रैकिंग हो गया है, और एक छोटा सा शेड मिला तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने तो मुंबई से बाइक राइड की थी, बोरीवली से यहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग 2.5 आवर्स लग गए। अगर आप लोग खुद से आ रहे हो, अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आप ट्रेन ले सकते हो करजत के लिए। करजत से आपको ST बस लेना पड़ेगा फॉर कशेड़ी विलेज, और फिर कशेड़ी विलेज से आपको आना पड़ेगा पेट विलेज। कोई डायरेक्ट बस नहीं है पेट विलेज का, तो आप कशेड़ी विलेज उतरिए और 8:15 या 8:30 का बस है फ्रॉम करजत ST स्टॉप। तो आप एक बार चेक कर लेना टाइमिंग आने के पहले। आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर में फोटो वोटो निकल के सेशन हो जाए ना। तो जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे थे वहां से फिर से वॉकिंग करके कुछ 20-25 मिनट्स और चलने के बाद हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आए हैं, और यहाँ से हमें कोथालीगढ़ का फर्स्ट लुक मिला। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वहां पर, वो कोथालीगढ़ है और हमको वहीं जाना है। तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए। माझं नाव किरण श्रीराम सावंत। इथे माझं एकमेव हॉटेल भैरवनाथ भोजनालय कोथलीगड हॉटेल। इथे राहण्याची व जेवणाची उत्तम सोय केली जाते। आपलं हॉटेल इथे कमीत कमी आज 30-40 वर्ष आपण इथे हॉटेल माझे वडील चालवतात, आता मी चालवतो। आणि इथे जेवण आपलं गावरण जेवण भेटेल, गावठी जेवण पद्धतीचं जेवण भेटेल। आणि आपल्याकडे कस्टमर मुंबई पुण्यापासून लोक येतात आणि आपल्याला डायरेक्ट मोबाईलवरती कॉन्टॅक्ट होतं, आणि मोबाईलवरती कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर आपण पूर्ण मोबाईलवरती ऑर्डर घेतो। आणि आज ह्या गोष्टीला बरेच लोक असे ओळखीचे झालेत आपले एकमेव, म्हणजे आपण 10 रुपयेपासून जेवण दिलेलं आहे, तेव्हापासून आपण कमीत कमी ह्या गोष्टीला, आता आपल्याकडे 150 रुपये व्हेज आहे आणि नॉनव्हेज 200 रुपये, आणि एकदम गावरून जेवण भेटेल। आणि याशिवाय आपल्याकडे इथे जागा एकदम आईस पेस जागा आहे, आणि टेंट वगैरे टेंटची पण आपण ऑर्डर घेतो। टेंट पण कस्टमरला आपल्याकडे स्वतः बुकिंग करून टेंट राहण्यासाठी टेंट पण आपण देतो। ओके, आता जेवणामध्ये तुम्ही नॉनव्हेज मध्ये काय काय सर्व करता? आता जेवणामध्ये आपल्याकडे नॉनव्हेज मध्ये चिकन भेटेल, तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, गावाची चपाती, कोंबड्याचं मटण गावठी, परत तुम्हाला सांगतो बॉयलर लागलं तर बॉयलर पण देतो, आणि याचं मटण लागलं तर मटण पण देतो। ओके, आणि ज्वारीची भाकर पण लागली तर त्याच्यामध्ये आपण देतो, जशी ऑर्डर असेल तसं आपण जेवण। राईस आहे की नाही? राईस त्याच्यामध्ये तांदळाची भाकरी, राईस, रस्सा, कांदा, लिंबू, मटण सगळं भेटणार। आणि व्हेज मध्ये काय आहे? व्हेज मध्ये तांदळाची भाकरी, गव्हाची चपाती, एक फ्लावर मटर मिक्स भाजी, पनीर मटर, चना मसाला, कोबी फ्लावर मिक्स भाजी, एक झुणका असतो त्याच्याबरोबर, एक ठेसा असतो मिरचीचा, लोणचं पापड, कांदा, एक मिळून जेवण भेटेल आपल्याकडे। थँक्यू थँक्यू। जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऍड, अगर आपको यहां से फूड ऑर्डर करना है या अगर आपको कोई दूसरे जगह से फूड ऑर्डर करना है पेट विलेज में, तो जब आप ट्रैक करने जा रहे हो तभी उनको ऑर्डर दे देना, क्योंकि कभी वीकेंड की वजह से और कभी संडेज की वजह से जहाँ पर ज़्यादा क्राउड आता है तो कभी कभी फूड उनके पास अवेलेबल नहीं हो सकता है।
तो अगर आप उन्हें पहले ऑर्डर देंगे तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल रखेंगे एंड यू कैन एन्जॉय द लंच देयर। सो दिस इज पेट विलेज। जब आप पेट विलेज में एंटर करते हो तो थोड़ा आपको स्ट्रेट चलना है और स्ट्रेट चलने के बाद जो पहला राइट आएगा आपको वो राइट लेना है। तो वही राइट है जो आपको जो मेन फोर्ट है पेट फोर्ट या कोथालीगढ़ फोर्ट वहाँ तक लेके जाएगा। तो आपको सीधा नहीं जाना है, ये आपको राइट लेना है पहले। वहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है तो वो लैंडमार्क के लिए आप दिमाग में रख सकते हो और जो मंदिर आएगा उसके आगे से आपको राइट लेना होगा पेट फोर्ट के लिए। ये जो कोथालीगढ़ फोर्ट है इसको वहाँ के विलेजर्स ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है और ये जो फोर्ट है इट इज़ लेस कमर्शलाइज कम्पेयर टू अदर फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। हम लोग ने ये ट्रिक किया था 2 अक्टूबर को जो नेशनल हॉलीडे होता है एंड बीइंग अ नेशनल हॉलीडे बीइंग अ सैटरडे इतना क्राउड नहीं था जितना दूसरे फोर्ट्स में होता है महाराष्ट्र में। सो ये पूरा ट्रैक वेल मार्क्ड है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द मार्किंग्स और जो ट्रेल है वही आपको फॉलो करना है। और ये पाइपलाइन जो आपको दिख रहा है अगर आप ये पाइपलाइन भी फॉलो करेंगे ना तो आप ट्रैक का जो मेन एंट्रेंस है जो ट्रैक का टॉप है वहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे। और ये बिगिनर्स के लिए एक परफेक्ट ट्रैक है। निकाला प्लास्टिक कौन सा था?
सारे चित्र काढून घेतो तुम्ही काय नेणार मला नेणार आहे थोडं क्या बात आहे आणि ते चित्र तुम्हाला जर आनंद मिळत असेल तर जरूर घेऊन जा लोकांचा आनंद जे बघतो ना तेच मी महत्व आहे येस खरं आनंद हा निर्माण करायचा असतो स्वतःच्या स्वतःनी म्हणून आमचे गुरु काय सांगतात माहितीये का तुमच्या चाहते हो तुम्हाला जे हवे ना तेवढंच बोलायचं तेवढंच करायचं क्या बात आहे बाकी काही नाही करायचं आपण म्हणतो मला बंगला पाहिजे हवेली पाहिजे त्याच्यात हव्यासामध्ये कशा जातो ते मिळणारच आहे बरोबर बरोबर पाऊल टाकतच नाही बाहेर तुम्हाला मिळणार तुम्ही